नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश में बड़ी खबर अभी की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उससे पहले गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको बताते चले, जहां हिमाचल प्रदेश में एक और ओमिक्रॉन का मामला मिलने के बाद हड़कंप समझ गया था, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो कहा था कि इस महिला की जो RT-PCR रिपोर्ट है वो नेगेटिव थी और इसके साथ जो अन्य कॉन्टैक्ट में आए हुए लोग थे उनकी भी जो RT-PCR रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी। हालांकि आज आपको बताते चले कि आज जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है वो सभी राज्यों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी ये निर्देश जारी किए हैं कि जरूरत पड़ने पर जो है वो बंदिशें लगाई जाएं। जी हाँ, ये गृह मंत्रालय की ओर से जो है आज निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताते चले, हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने पहले ही संकेत दिए थे कि हिमाचल प्रदेश में अगर ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। और वहीं अब केंद्र जो गृह मंत्रालय है उनकी ओर से निर्देश जारी करने के बाद जो इसकी संभावना बहुत बढ़ गई कि हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ और भी बंदिशें देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको बताते चलिए कि अभी विंटर सीज़न, और विंटर सीज़न में जो सिम्टम्स हैं वो ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में जिस तरह से सैम्पलिंग बढ़ेगी उस तरह से जो है वो केसेस भी बढ़ने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो उसी के साथ जो है वो बंदिशें भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में लगाई जाएंगी। और वहीं हम आपको बार बार अपडेट ये भी देते थे कि स्कूल और कॉलेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील होते हैं वो स्कूलों में छोटे बच्चों को रहते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए जो है स्कूलों को बंद किया जा सकता है। हालाँकि जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है वो ऑलरेडी बंद ही रहेंगे, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई जो है आगे आने वाले दिनों में भी जो है ऑनलाइन ही रखी जा सकती है अगर बंदिशें लगाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में हालाँकि जो है अभी तक इनके अलावा और कोई ओमिक्रॉन का केस नहीं मिला है। अगर और ओमिक्रॉन के केसेस मिलते हैं तो नाइट कर्फ्यू जो है यहाँ पे लगाया जाएगा, ऐसा CM जयराम ठाकुर की ओर से संकेत भी दिए गए थे। और स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया है कि सभी लोग जो है वो सतर्क रहें और अपने अपने स्तर पर जो है वो बचाव करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहें, मास्क का जो है उपयोग करते रहें। हालांकि इसी बीच हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी रैली भी हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, तो ऐसे में इस रैली पर भी बड़े सवाल जो है वो पैदा हुए कि आखिर एक और तो सरकार और एक और स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट जारी किया, सतर्कता बरतने को कहा, और दूसरी ओर इस तरह की रैलियाँ जो है वो की जा रही हैं। हालांकि वहाँ उस रैली में जो है वो मास्क के बिना आने की अनुमति नहीं थी, परंतु ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ सच्चाई रहती ये सभी जानते हैं। ऐसे में जो है वो बड़े सवाल भी उत्पन्न होते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले पर और साथ में इस तरह के निर्देशों के साथ साथ उनके द्वारा इन तरह की रैलियों पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपना बचाव करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का उपयोग जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।